ली। अरे मेरे बेटे को गाड़ी के साथ साथ इतना अच्छा घर भी अता कर दिया। अरे अम्मी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। हे बेटा, मेरी दुआएं तो हैं, लेकिन साथ साथ तुम्हारी मेहनत का फल भी है। ये तो है, मेहनत का फल तो है वैसे। अच्छा, खड़ी भी क्यों है, बैठे ना, आए आए बैठो। हाय हाय, माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बहन। ऐसा मुझे तो ना रह रहकर उमर का ख्याल आ रहा था। काश वो भी थोड़ी सी मेहनत करता, अपना ख्याल रखता तो आज तुम्हारी तरह कामयाब होता। है फरहाना कहती थी कि उमर अकबर का सहारा बनेगा। कितना कहा उसे, कितना समझाया कि बेटा अपनी कमाई पर ध्यान दो, कुछ मेहनत कर लो, मगर मजाल है जो उस पर असर हुआ। मैं ऐसी बात नहीं है, उस पर असर हुआ है। आपने देखा नहीं कैसे रो रहा था बेचारा वो लास्ट टाइम। नहीं, वो पछता रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे बेटा, क्या फायदा अब ऐसे पछतावे का। बाप का सहारा बनना था, अब सारी जिंदगी के लिए बाप को ही संभालना पड़ेगा। अम्मी, वैसे उसे भी शौक था कि अकबर अंकल रिश्वत लेते रहे और होनी के पैसों पर अयाशी करता रहे। अरे बेटा, हराम की कमाई कब किसी के काम आई है। अब देख लो, जवान बेटा माजूर हो गया। सही कह रही, लेकिन मुझे लगता है कि उमर अब सुधर जाएगा। सुधरना तो अकबर को चाहिए बेटा। हराम की कमाई जिस रास्ते से आती है ना, घर का सुकून और सेहत भी उसी रास्ते से निकल जाता है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन पैसे में जो कशिश होती है ना, लोग जायज़ नाजायज नहीं देखते। उनको बस अमीर से अमीर तरीन होने की ख्वाहिश होती है बस। हाँ बेटा, यही तो हमारी आजमाइश है। जो इसमें से गुजर गया, खैर उसी की होनी है। बेशक अम्मी, बेशक बेशक। अल्लाह ताला हलाल रोजी कमाने वालों के लिए हजारों दरवाजे खोल देता है। बेशक मेरा बच्चा, बेशक। अल्लाह पाक तुम्हारी कमाई में बरकत दे और सारी जिंदगी हलाल की कमाई कमाए। आमीन आमीन आमीन। उमर हमारा जवान बेटा है, उसे इस हालत में देख के दिल दुखता है। वो दोनों पैरों से माजूर हो गया और हम कुछ कर ही नहीं सके। फिक्र ना करो, एक पार्टी से बात चल रही है, डील भी बड़ी है और पैसा भी बहुत है इस बार। अगर ये डील हो गई तो हम उमर को भाग ले जाएंगे, वहां इलाज कराएंगे उसका। एक बात कहूं आपसे? कहो। इस बार हमें बहुत बड़ी रकम की जरूरत है, अगर आपकी ये डील ना हो पाई तो। अरे ऐसे कैसे नहीं बनेगी, मैंने सिर्फ एक साइन कर रहा है, बाकी काम खुद ब खुद हो जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी किसी वजह से अगर आपकी ये डील नहीं होती फिर क्या करेंगे हम? अरे होगी, बिल्कुल होगी। मैं सारा पैसा तुम्हारे कदमों में बिखरा दूंगा और हम उसको लेकर जरूर जाएंगे बाहर। बस अब पर देख लीजिएगा, इस बार हमें बहुत ज्यादा रकम की जरूरत है ताकि हम उमर को आसानी से बाहर ले जा सके और उसका ऑपरेशन करवा सके। तुम परेशान ना हो, यही सब कुछ कर रहा हूँ, इसी चक्कर में रखा हूँ।